आज हमारे साथ नरगिस खातून, कश्मीरी सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। नरगिस जी, आप पहले हमें बताइए कि आपकी एजुकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? 10th मेरा हुआ इमामी हाई स्कूल से, उसके बाद 11th 12th के लिए मैं कोठीबाग हायर सेकेंडरी से, और उसके बाद अभी मैं कॉलेज में हूँ, गांधी मेमोरियल कॉलेज में। अभी मैं अपने बैचलर्स कर रही हूँ। तो आपकी एज कितनी थी उस टाइम जब आपको इस ये मतलब सिंगिंग का शौक हुआ है? प्रोबेबली 4 or 5 years old तब से स्टार्ट किया था, लाइक रफली पहले स्टार्ट किया था स्कूल लेवल से, उसके बाद आगे आगे गए। तो उसमें आपका पहले जो है फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिला, और आपके स्कूल कॉलेज से कितना आपको इसमें सपोर्ट मिला? स्कूल टाइम में तो अच्छे से परफॉर्म करने का मौका मिला, मतलब आई गॉट टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर पीपल, बिफोर ऑडियंस। बट पहले पहले लाइक जब स्कूल से रिलेटेड होते तो घर वाले समझते कि चलो स्कूल से रिलेटेड है तो वो जाने देते, लेकिन एज सून एज वी स्टेप आउट ऑफ स्कूल तो चीज़ें थोड़ी वो पब्लिक में आ जाती है, लाइक उसके बाद हम वी ट्राई टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म आउटसाइड ऑफ स्कूल, तो उसके बाद थोड़ा घर वालों को थोड़ा वो हेजिटेट करते हैं क्योंकि इस फील्ड में लाइक हमारे यहाँ इतना एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं है इस चीज़ में, तो वो सपोर्ट नहीं करते अच्छे से। बट एज फार एज यू आर डेडिकेटेड एनफ आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, यू कैन गेन देयर ट्रस्ट। एंड विद टाइम देर वॉज अ टाइम एंड आई वॉज लिटरली लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज माई फैमिली वॉज नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। अभी भी इट्स नॉट लाइक द सपोर्ट आई नीड एक्चुअली, बट फिर भी चीज़ों में बहुत फ़र्क आया, लाइक अभी ऐसे मौके होते कि दे फील प्राउड ऑफ मी आई एम डूइंग दिस, कहीं पे मेरा सुनते हैं, कहीं पे न्यूज़ आती है कुछ, तो सो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस जो हो रही है अभी टाइम। तो आपको लग रहा है कि कश्मीर वैली में काफ़ी बहुत सारा जो है लड़कियों में टैलेंट हैं, तो यहाँ की जो सिचुएशन की वजह से वो पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय हुआ है, वो भी एक आपको लग रहा है वो भी एक मतलब रीज़न है? खाली गर्ल्स में नहीं, बॉयज़ में भी बहुत, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, टैलेंट है बहुत ज़्यादा। और इवन द थिंग इज़ दैट जो मोस्ट टैलेंट है वो रॉ टैलेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, हमारे यहाँ स्टेज कल्चर नहीं है, अश्चुन ये तीता मौका मिला कि इसका रोपन पन प्रेजेंट, तो देर इज़ अ डिफरेंस जैसे बाहर का स्ट्रक्चर है और यहाँ का है। बट फिर भी इसमें इतने सारे लोग मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। और आई थिंक अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसी सिचुएशन है कि जिससे एक इंसान एज अ नॉर्मल पर्सन भी जो होता है वो बहुत यू नो डिसअपॉइंट चुका सांता है निष्क्रिय क्या हालत है, मगर जो एक आर्टिस्ट होता है उसको बस एक तमिश्ता जेर हिंद जरूरत, तो उसको अगर हालात भी अच्छे नहीं रहते तो ही ट्राइज टू यू नो गेन इंस्पिरेशन फ्रॉम वट एवर ही सीज, अगर हालात भी बुरे होते हैं कुछ भी होता है तो इंसान उससे भी इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ नया अपने आर्ट बना सकता है। तो आपके साथ कितने और जो ये सिंगर्स हैं जो आपके साथ अभी काम कर रहे हैं? अभी हम ऐसे तो फ्रीलांस काम करते हैं हम, बट ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम मोस्टली साथ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, तो मोस्टली हम जो काम करते हैं वो उस साथ में करते हैं, बिकॉज द मोर वी आर लाइक यू तब पान में मिलित कोलेब्रेशन में अच्छे से काम कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कहाँ कहाँ पर आपने अभी तक जो है अपनी जो ये सिंगर्स प्रोग्राम्स में आपने पार्टिसिपेट किया है थोड़ा आप बता दीजिए? बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, और स्कूल लेवल में ही मैं आई समहाउ गॉट इंट्रोड्यूस टू रेडियो कश्मीर एंड तत् करे एस परफॉर्म, आफ्टर दैट आई लेंट माई वॉइस, आई संग मेनी जिंगल्स और कुछ ऐसे होते थे जो यहाँ के डीडी कश्यप के सॉन्ग्स आते थे, तो उसके लिए उसके बाद वो सब रह गया। उसके बाद बहुत मतलब मौका मिला बहुत सारी जगहों पर परफॉर्म करने का, पहले कश्मीर के लोकल इवेंट्स में, फिर आउटसाइड कश्मीर भी मौका मिला, एंड लगभग 1 साल पहले हम यूनिवर्सिटी के थ्रू गए थे एक नॉर्थ जोन फेस्टिवल में, जो कि नॉर्थ जोन का जहाँ पे नॉर्थ जोन की पूरी यूनिवर्सिटीज़ होती है, सब यूनिवर्सिटीज़ होती है, सब अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को मौका मिला था जाने का। सो लगभग पिछले 1-2 सालों से सीन बहुत चेंज हुआ, लाइक या तो नजरी ब्रहस अलहमदिल्ला अभी हम उससे बहुत आगे। नरगिस जी, मेरी गुजारिश है आपसे थोड़ा जो आपका जो आप सॉन्ग्स गाते हैं अक्सर जो आप सॉन्ग्स गाते हैं थोड़ा बहुत आप वो कोई सॉन्ग इसमें आप हमें सुनाइए। सॉन्ग्स तो हम बहुत सारे जॉनर्स के गाते हैं, अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया मैंने, वो पहला मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है जो मैंने खुद से लिखा है, तो जल्दी उसको रिलीज़ करेंगे वो गाऊंगी। तो कश्मीरी सॉन्ग अगर कोई है तो थोड़ा बहुत आप हमें सुनाइए। जी कश्मीरी, ठीक है जी, थोड़ा बहुत आप सुनाइए वो हमें, ताकि जो में जी
राह बख्श तुम सर परवरदिगारो से क्यों हो वातियो म्यान मर नहीं राह बख्श तुम सर परवरदिगारो से क्यों हो वातियो म्यान मर नहीं। अच्छा, इस भी जो आपका जो अभी आपका जो सिंगिंग का काम चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और आगे बढ़ने के लिए हेल्प होना चाहिए? टोटली होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ना स्टेज कल्चर है, ना यहाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जैसे बाहर होते हैं। तो सब कुछ आई थिंक अभी जो हमारे पास सबसे जो स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है जहाँ से हम सीखते हैं कुछ भी, सो दैट्स ऑनलाइन, सो रिच ऑनलाइन। और उस बीच आपको पता है कि ऑफन इंटरनेट गैग सब प्रेजेंट है, सो बीच में इंटरनेट भी छिन जाता है, हमारे पास कुछ नहीं रह जाता करने को। सो यहाँ पे वो कल्चर एक डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ऑफकोर्स एक स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हैंड हो सकता है कि कैसे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो कैसे फ्लोरिश करें। सो या दे शुड हैव अ हैंड। आपकी तरह से कोई अपील गवर्नमेंट के लिए, आपकी हेल्प के लिए? आई डोंट नो व्हाट अपील मैं क्या अपील कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि सपोर्ट होना चाहिए। आई थिंक वी लैक इन मेनी फील्ड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ सम वन वॉन्ट्स टू मेक अ म्यूज़िक वीडियो, दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ म्यूज़िक वीडियो, सो क्वालिटी लैक करते हैं बिकॉज फाइनेंसिस, बट नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि हम जाके गवर्नमेंट से हेल्प मांगे। अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट लेबल्स ऐसे नहीं है कि दैट यू गो एंड हेल्प। सो जो क्वालिटी जो है आप क्वालिटी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो येस, देर शुड बी सम काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। आई थिंक हमारे साथ आज फेमस कश्मीरी सिंगर एंड सॉन्ग राइटर नरगिस खातून हमारे साथ आज वैली हेडलाइंस मीडिया ग्रुप में आज मौजूद थी इंटरव्यू में। तो नरगिस जी, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।